I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे एक्टिवेशन ऑफ लाइफ, पुनर्जन्म, रीबर्थ, लाइफ आफ्टर डेथ. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे पुनर्जन्म, वापस कैसे जन्म होगा, रीबर्थ, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद कैसे लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे या जला दिए गए तो उनकी राख से कैसे वो वापस जिंदा किए जाएंगे, सवाल जवाब होगा और स्वर्ग और नर्क यानी जन्नत और दोजख मिलेगा. जैसा कि हम जानते हैं जल जीवन है, वाटर इज लाइफ. अल्लाह तबार ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर 21 सूरह अंबिया वर्स नंबर 30, वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन हय एंड वी क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर. हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया. अल्लाह तबार ताला कुरान पाक में दूसरी जगह ऐलान कर रहा है, चैप्टर 36 सूरह यासीन वर्स नंबर 33, 34, 35. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے تمہارے لیے نشانی ہے مردہ زمین, ہم اسے دیتے ہیں زندگی, اس میں سے نکالتے ہیں دانے کو جس کو تم کھاتے ہو, اور اس میں سے نکالا میں نے باغات کھجور اور انگور کے, कुछ चश्मे बहाए ताकि तुम उसके फलों को खाओ, क्या तुम उसका हक न मानोगे. अल्लाह तबार ताला दूसरी जगह ऐलान फरमा रहा है, ही सेंड्स वाटर फ्रॉम द स्काई इन ड्यू मेजर सो दैट ही गिव्स लाइफ टू द डेड लैंड एंड सिमिलरली यू विल बी ब्रॉट फोर्थ. अल्लाह तबार को ताला एक मिकदार में एक अंदाजे से पानी को आसमान से बरसाता है, उससे मुर्दा जमीन को जिंदगी देता है, वैसे ही तुम उठाए जाओगे यानी कब्रों से. अल्लाह तबारक तआला दूसरी जगह ऐलान फरमा रहा है, सूरह नंबर 50 सूरह काफ आयत नंबर 11 में है. यहां पे अल्लाह तबारक तआला ऐलान कर रहा है, वी सेंड वाटर फ्रॉम द स्काई, वी रिवाइव द डेड लैंड, सिमिलरली विल बी ब्रॉट फोर्थ From your grapes. यहां अल्लाह तबार तआला ऐलान कर रहा है कि वो पानी बरसाता है और मुर्दा जमीन को जिंदगी देता है, मुर्दा शहर को आबाद करता है, उसी तरह तुम अपनी कब्रों से निकाले जाओगे. तो अल्लाह तबार तआला कुरान में इरशाद फरमाया कि किस तरह से हम वापस जिंदा किए जाएंगे. यही नहीं, अल्लाह तबार तआला सूरह कयाम जब नंबर 75 वर्स नंबर 3 एंड 4 में ऐलान कर रहा है, अयहसब الانسان الا نجم عظام بلا قادرين على ان نسوي بنانه. क्या इंसान सोचता है कि उसकी हड्डियों को हम जमा ना कर देंगे, अरे हम तो उसकी उंगली के पोरों को भी जोड़ देंगे. अल्लाह तबारक तआला ऐलान कर रहा है और कैसे करेगा इसका भी ऐलान कर रहा है, चैप्टर नंबर 54 सूरह कमर आयत नंबर 50 में है, आवर कमांड इज यूनिक वन ब्रॉट आउट स्विफ्टली विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. हमारा बात तो बात की बात है जैसे पलक का मारना. और चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन वर्स नंबर 82 में है, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैन अकुल फैकुन. अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो फरमाता है हो जा और वो हो जाती है. सूरह नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 104 में है,
we will roll up the heaven like the rolling of the book, that is book of deeds. The way we created first time, we will reproduce you again. It is easy on us and it is within our power. Allah Ta'ala elan farma raha hai ki Allah aasman ko lapet dega jaise sijil farishta naame amal ko lapetta hai. Jis tarah se humne pehli bar banaya वैसे ही हम तुम्हें दूसरी बार बनाएंगे. अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है कि हम तुम्हें वापस जिंदा करेंगे, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं. पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं कि इंसान मरने के बाद फिर किसी दूसरे के माँ के शिकम में रहेगा, उसकी कोख से, उसके पेट से पैदा होगा, फिर जिंदगी शुरू होगा. या ऐसा भी नहीं कीड़े मकोड़े बनेगा, सांप बिच्छू बनेगा. पुनर्जन्म का मतलब मरने के बाद अल्लाह वापस उसे जिंदा फरमाएगा. देखिए, मैं साइंस की रोशनी में आपको बताऊं कि डिहाइड्रेटेड ऑर्गेनिज्म एक फ्रोजन स्केलेटन की तरह होता है, जिसके डीएनए में जेनेटिक कोड तो होते हैं लेकिन लाइफ नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होता है. लेकिन जैसे पानी बरसता है, ये वाटर जो है जिसे हम लाइफ कहते हैं, ये वाटर हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, आयनाइज होता है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है. और ये डीएनए की डबल हेलिक्स एटीजीसी, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है और लाइफ एक्टिवेट हो जाती है. मैं आपको बता दूं, 80% ऑफ द सॉइल कंटेंट्स बैक्टीरिया. सॉइल का 80% बैक्टीरिया है. अगर प्रोडक्टिव सॉइल एक चम्मच हम लें, एक टीस्पून लें प्रोडक्टिव सॉइल, तो उसमें 1 बिलियन बैक्टीरियाज होते हैं. इसीलिए जैसे पानी बरसता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट्स होते हैं और लाइफ एक्टिवेट होती है. और यही नहीं, अगर हम प्रिज्यूम करें कि हजरत आदम अली इस्लाम से लेकर के बरोज़ कयामत तक 10 बिलियन लोग, या आज तक ही अगर हम लें हजरत आदम अली इस्लाम से लेकर के आज तक, अगर हम ये प्रिज्यूम करें, ये सोचें कि कितने लोग आए होंगे, अगर उनके जेनेटिक कोड को जमा करें, तो यूं समझ सकते हैं करीब 10 बिलियन लोग इस जमीन पर आए होंगे. और इंसान के जेनेटिक कोड की साइज है 1 माइक्रॉन. अगर उन सब के जेनेटिक कोड्स को जमा किया जाए तो चाय का एक कप भी नहीं भर पाएगा. पता ये चला, उन सब के जेनेटिक कोड्स जो दफना दिए गए, या जो अपनी जिनको जला दिया गया या किसी ने खा लिया, उन सब के जेनेटिक कोड मौजूद हैं. और अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़ कयामत उन्हें, जैसा कि ऐलान फरमाया, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसविया बनाना, डज माइन थिंक दैट वी कैन नॉट असेंबल हिज बोन्स, ये वी आर सपोज्ड टू जॉइन इवन द फिंगर टिप्स, वी विल जॉइन टुगेदर इवन द फिंगर टिप्स. क्या इंसान समझता है उसकी हड्डियों को हम जमा ना कर देंगे? अरे हम तो उसके उंगली के पोरों को भी जोड़ देंगे. तो पता ये चला, अल्लाह के कुदरत कामिला उस सबको जिंदा फरमाएगा और उसके हिसाब से दोजख और जन्नत उसके किस्मत में जो होगा उससे मिलेगा. यही नहीं, बुखारी एंड मुस्लिम, हदीदा बुखारी एंड मुस्लिम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने आदम, आदम की तमाम औलादे बरोज़ क़यामत तक जो है उनके जिस्म को मिट्टी जो है खा जाएगी सिवाय टेल बोन के. कहने का मतलब, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, द बॉडी विल बी ईटन अप एक्सेप्ट द टेल बोन. मैं आपको बता दूं, अंबियाए कराम, शहदाए इज़ाम और अल्लाह जिससे चाहे उनके जिस्म को मिट्टी को खाना तो क्या, उसे टच करना भी मुमकिन नहीं है. यानी मिट्टी उनके जिस्म को नहीं सड़ा सकती, नहीं गला सकती, नहीं खा सकती. अंबियाए कराम के जिस्मों पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी को हराम करार दिया, उनके जिस्म को किसी भी तरह का नुकसान नहीं मिट्टी पहुंचा सकती. तो पता ये चला, ये शहदाए ईसाम, अंबियाए कराम और उसके अलावा अल्लाह जिसे चाहे, उनकी जिस्म को तो मिट्टी खा सकती है
सिवाय किसके? टेल बोन्स के। दूसरी हदीस में, दूसरी रवायत में है, मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुबहान व ताला, ए अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए व्हाट इज इट, ये क्या चीज है? आपने फरमाया इट इज लाइक अ मस्टर्ड ग्रेन, ये सरसों के राई के दाने के बराबर है। यानी अब यूं समझिए कि टेल बोन को जमीन जो है खत्म नहीं करेगी, इससे मुराद है कि जो मस्टर्ड ग्रेन की तरह छोटा सा हिस्सा है उसको खत्म नहीं करेगी। यानी ये वो मटेरियल है मस्टर्ड ग्रेन की तरह, सरसों के राई के दाने के बराबर, इससे जमीन खत्म नहीं करेगी, इसी से वो बनाया गया और इसी से वो जिंदा किया जाएगा। अब आप कहेंगे बनाया गया स्पर्म और ओवम से, जायगोट से, और फिर उसके बाद तखलीक को पहुंचा, तो यूं समझिए तो मटेरियल जो छोटा सा, थोड़े से छोटे से मस्टर्ड ग्रेन में मौजूद है, वो मटेरियल की तरफ इशारा है कि इसी से बनाया गया और यही जो है महफूज रहेगा और इसी से वापस जिंदा किया जाएगा। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इशारा कर रहे हैं कि कॉकिक्स यानी टेल बोन में जो मस्टर्ड के ग्रेन की तरह है उससे लाइफ बनी है और वही प्रिजर्व होगा जिसे जमीन जो है डिवोर नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी।